कार्यक्रम के दूसरे ही दिन विधानसभा में नियमों और परंपराओं की धज्जियां उड़ती दिखी। कुछ दिन पहले स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की सरकार के मंत्री शांति धारीवाल और रघु शर्मा से नोकझोंक हुई थी। आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से भी बहस हो गई। देर तक सदन में हंगामा चलता रहा और बीजेपी विधायक अपनी सीट पे खड़े हो गए। राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पहले मीसाबंदी पेंशन को लेकर और फिर जयपुर की कानून व्यवस्था को लेकर तीसरी बार जमकर हंगामा हुआ। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक के पेश होने पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ से बहस भी हो गई। संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजने के मामले में चर्चा के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लोकायुक्त कोठारी का नाम दिया। इस पर सीपी जोशी ने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद राठौड़ ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। तो स्पीकर ने कहा कि मैं नियमों के तहत ऐसा कर रहा हूँ। इसी दौरान सीपी ने राठौड़ को बाहर जाने के लिए कह दिया तो राठौड़ ने कहा कि आपकी दया से मैं यहाँ नहीं हूँ। तो सीपी ने कहा कि मैं भी आपकी दया से नहीं हूँ। एक सरकार की अपसंसा पर कुछ प्रकरण लोकायुक्त को भेज दिए। जस्टिस एसएस कोठारी ने मैं फिर इंटरवीन करूंगा, प्लीज इसी बीच स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी आपस में उलझ गए। कटारिया ने कहा कि क्या हमारा इस बिल पर बोलने का अधिकार नहीं है? आप चाहते हो कि हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपनी बात जरूर कहेंगे। मैं आपका आभारी हूं। वास्तव में इस अमेंडमेंट को आप पास कर दें तो आप हमारी आवश्यकता का आपके आदेशों की सदन प्रतिपक्ष के नेता अवहेलना कर रहे हैं, ताकि हमको आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आप ये चाहते हो आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, आपने मुझे पुकारा है। मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में क्या हमारा कोई अधिकार नहीं इस बिल के ऊपर, कुछ बोलने का अधिकार नहीं इसके स्कोप पे बोलने का। इसी बीच पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने दखल देते हुए कहा कि सदन में इस तरह की परंपरा नहीं है कि चेयर को चैलेंज किया जाए। तो कटारिया ने कहा कि हम तिलांजलि देने के लिए सदन में नहीं आए हैं। इस दौरान बीजेपी के सभी सदस्य खड़े हो गए। माहौल बिगड़ता देख स्पीकर सीपी जोशी ने अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल किया और फिर गुलाब चंद कटारिया को पूरा वाक्या फिर से समझाया। इस बिल पर बोलने का हमारा अधिकार नहीं है क्या? माननीय सदस्य के नेता जनमत जानने की डिबेट के रेगुलेट करने के संबंध में, बिल पास करने के संबंध में नहीं कहा। यह मेरा अधिकार अध्यक्ष की हैसियत से कि डिबेट को रेगुलेट करूं। मैंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, पढ़ लीजिए आप। ये मेरा अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है कि डिबेट को रेगुलेट करने का अधिकार मेरा है। उस अधिकार के अंतर्गत मैंने माननीय सदस्य को कहा कि आपने डिबेट को इस तरह से करें। मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं बोले, मैंने ये कहा कि आप जनमत में जाने के लिए अपनी डिबेट को रेगुलेट करें। यही तो बात मैंने कही है। अब अपनी बात को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। जब विधानसभा में बहस फिर से शुरू हुई तो राजेंद्र राठौड़ ने अपने वक्तव्य में सीपी जोशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इनका गुस्सा दूध की तरह है। विधानसभा में बजट सत्र तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन जिस तरह से सदन में व्यवहार हो रहा है उसकी काफी आलोचना भी हो रही है। सरकार के मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा तो स्पीकर पर सीधे सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना है कि सदन की कार्यवाही में आगे किस तरह के रंग दिखाई देते हैं। योगेश शर्मा, ऋतुराज शर्मा और ऐश्वर्य प्रधान के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।